में एनआरआई और महिला कारोबारी की भूमिका पर पांचवी कन्क्लेशन आयोजन किया गया और समारोह में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की और समारोह में एनआरआई और वुमेन अचीवर्स को सम्मानित किया गया। महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं। देश में ही नहीं विदेशों में भी भारतीय महिलाएं अपना लोहा मनवा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के लोधी रोड स्थित आईसीसी में पांचवी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें देश के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए एनआरआई और महिला कारोबारियों को सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन एनजीओ भारत निर्माण की ओर से किया गया। इसके अलावा वुमेन अचीवर्स और उच्च शिक्षित महिलाओं को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह की शुरुआत बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर की। मेरा जीवन पिता विहीन बीता है। मैं बहुत छोटा था, 7th क्लास में, तो बाबूजी नहीं रहे। लोग कहते हैं आपके जब सोर्स हो, पैरवी हो, ऐसा हो तभी आप कहीं पहुंच सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। मुझे लगता है आप एक अच्छी सोच के साथ चलें, आपकी विनम्रता आपके साथ हो, दिशा सही हो, आप अपने को जज अच्छा कर लें कि हमारे अंदर ये है, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझे फाइन आर्ट्स एंड फिलोसफी के लिए मिला है अवार्ड। ये आई एम एन आर्टिस्ट पेंटर और आई आल्सो डू अ लॉट ऑफ सोशल सर्विस थ्रू आर्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैम, जो अवार्ड फंक्शन होते हैं, किस प्रकार से आप सबको मोटिवेट करते हैं ये और जानना चाहेंगे? दिल में खुशी होती है, लगता है कि हाँ, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको लोग पहचान रहे हैं और अच्छा लगता है। समारोह का मकसद भारत के निर्माण में महिला कारोबारियों और एनआरआई की भूमिका का अभिनंदन करना था। इस मौके पर शोभना नारायण, अनुराधा प्रसाद, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर महिला सम्मान समारोह की शोभा बढ़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।